किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न व पॉपकॉर्न की खेती के बारे में। देखिए, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न ये लगभग मक्के की लगभग 14 अलग अलग स्पीसीज हैं। तो उसमें से स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न की खेती जो की जाती है, इसका अलग अलग महत्व है। तो हम मक्का तो करते थे, मक्का पर ये डेंट कॉर्न, वैक्स कॉर्न अलग अलग है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है इस तरफ मूव कर रहा है, विशेष करके शहर के आसपास के लोग। तो स्वीट कॉर्न क्या है कि इसका यूज जो है लोग जो है अधिकतर दूसरे चीज़ों में, वेजिटेबल के रूप में करते हैं। इसको सलाद के रूप में खाते हैं, इसको जो है उसके दाने को जो है पिज़्ज़ा के ऊपर ले जाते हैं, समोसे में भी डालते हैं, इसका खीर बनाते हैं, अलग अलग तरह से इसका उपयोग करते हैं स्वीट कॉर्न को। और बेबी कॉर्न को ये जो है आपका छोटा जो दाना उसमें पड़ने से पहले ही छोटे छोटे जो है उसके लगभग लगने के, बाली लगने के 4 से 5 दिन के अंदर में ही उसको यूज कर लेते हैं, उसको सलाद के रूप में करते हैं और उसका ये सब्जी के रूप में भी यूज किया जाता है। और पॉपकॉर्न जो है ये जो आजकल ठेले पर जो है दाने फूटे हुए मक्के मिलते हैं, उसको पॉपकॉर्न के नाम से जानते हैं। तो विशेषकर जो है स्वीट कॉर्न की जहाँ तक बात है, इसके लिए हम लोगों को अच्छी तरह से खेत की जुताई करके बढ़िया ढंग से उसको गहरी जुताई करें और लगभग 2 बार देसी हल से जुताई करके और उसको पाटा चलाते हैं और पाटा चला करके मिट्टी को भुरभुरा करते हैं और समतल कर देते हैं, जिससे पानी का ठहराव ना होने पाए। और उसमें जो भी खाद देना है, गोबर खाद देना है, तो उसको शुरू में ही दे देते हैं। जैसे अगर आप स्वीट कॉर्न कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लगभग 1 एकड़ में 1 ट्रैक्टर से 2 ट्रैक्टर गोबर की सड़ी हुई खाद को बढ़िया ढंग से बुआई के 10 से 15 दिन पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। उससे क्या है कि ज़मीन में जो बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, पौधे को प्राप्त होते हैं, ऑर्गेनिक लेवल बढ़ जाता है। और इसके लिए जो खेत की तैयारी के साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जब जिस समय लगाते हैं तो उसमें इनका बीज का चुनाव भी बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ आप जिक्र कर रहे हैं स्वीट कॉर्न की, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाई को बताएं कि स्वीट कॉर्न की कौन सी प्रमुख किस्में होती है जिनका चुनाव करके हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ ले पाए। देखिए, मार्केट में जो स्वीट कॉर्न जाता है वो बोलते हैं कि उसका कॉब जो है पूरा फिलअप होना चाहिए, भरा रहना चाहिए और उसमें जो दाने हैं बड़े ढंग से उसमें आने चाहिए। और उसको जो है मार्केट में बेचते हैं, पीस के हिसाब से बेचते हैं, 10 रुपया पीस के हिसाब से ले जाते हैं। इसलिए उनका ये टारगेट रहता है कि हमें अच्छा वेराइटी और अच्छा कॉब उसमें आए। इसके लिए जो अच्छी वेराइटियाँ हैं, जैसे शुगर 75, माधुरी, प्रिया, हम्बर, ये वेराइटियाँ हैं जो अच्छी मानी जाती हैं, इन सबको लगाना चाहिए। और इसका जो बीज दर होता है लगभग 10 से लेकर के 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम सबको कोशिश करना चाहिए कि इस चीज़ का चुनाव किया जाए जिससे हमारे लिए लाभदायक है।